नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है संडे का और डेट थी 18 फरवरी, और यह वीडियो संडे 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया हुआ था और चाय मैंने बना ली थी। हस्बैंड भी आ चुके थे तो सभी ने चाय पी ली थी। उसके बाद जो बर्तन मेरे धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही थी, और ये जो बर्तन थे तो मैंने दिन में धुले हुए थे। और फ्रेंड्स, जब मैंने संडे को ये वीडियो शूट किया था तो उस समय मौसम काफी ठंडा था और ठंड पड़ रही थी, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ठंड एकदम जा चुकी है और मौसम एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और सारे बर्तन सेट हो जाएंगे तो इसके बाद जो डिनर बनाना है तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूंगी। और आज जो वीडियो है तो काफी लेट मैंने स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि संडे है तो संडे के दिन काफी काम होता है। और बर्तन सेट हो गए थे, इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी। और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, और जो गरम मसाले तो मैंने निकाल लिए थे। मसाले में मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, शाही जीरा और छबीला। और हमारे यहाँ इसको छबीला बोलते हैं। और ये जो धनिया थी तो धनिया को मैं भून लूंगी, और जो गरम मसाले थे तो उनमें भी हल्का हल्का रोस्ट किया हुआ था ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। फिर मैंने इनका एक फाइन पाउडर बना लिया था, और जो मैंने अदरक और लहसुन छीला हुआ था तो उसको अभी मैं पेस्ट बना लूंगी, और इसमें ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ इतना पानी डालूंगी जिससे कि इसका पेस्ट बन जाए। और सारे जो मसाले थे वह मैंने पीस लिए थे। और इसके बाद फिर करते हैं चिकन मैरिनेट की तैयारी। चिकन में सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दी है, और हल्दी के साथ साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, और नमक मैं अभी पूरा ही डाल दूंगी जितना मुझे अभी सब्जी में डालना है। और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। और फिर इसके बाद मैंने कुकर में तेल गर्म किया था और चिकन को जो मैरिनेट होने रखा था तो उसको भी मैं अभी डाल दूंगी, और मैंने इसमें दही नहीं ऐड किया था। चिकन को थोड़ी देर तक तेल में मैंने फ्राई कर लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है। और इसमें 2 से 3 सीटियां हाई फ्लेम पर मैं लगाऊंगी। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, और जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक जो मसाले की तैयारी है वह भी मैं कर लूंगी। और मैंने लगभग 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको मैं काट लूंगी। और आज मैं मसाला पीसने वाली नहीं हूँ, आज मैं प्याज काट कर ही डालने वाली हूँ। तो मैंने मसाले के लिए प्याज काट ली है, और साथ में मैं मिर्ची भी काट लूंगी। मैंने हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च काटी हुई थी। लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही डाल लिया था, तो इसलिए लहसुन और अदरक मैं अभी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। प्याज भी कट गई थी और जो चिकन था तो वह भी पक गया था, और उसको मैंने लगभग 80% पकाया हुआ था। बर्तन में तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जो तेज पत्ता, दालचीनी और जो बड़ी इलायची थी तो वह भी डाली थी बड़ी, और साथ में डाल लिए थे लहसुन। सारी चीजों को मैंने भून लिया था। उसके बाद जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी हुई थी तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी, और उसको अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही वह भून जाएगी तभी मैं उसमें टमाटर भी डाल दूंगी, और मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया हुआ था। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, और हल्दी में पहले डाल चुकी थी, और थोड़ा सा जो गरम मसाला है तो उसको भी मैं डालूंगी। और जो मैंने मसाला पीसा हुआ था तो सारे मसालों को मैं अभी डाल दूंगी, और जो टमाटर डाला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो इस वजह से वह मसाला भी अच्छे से पक जाता है। और साथ में मैंने चिकन मसाला भी डाल दिया था। मसाले जैसे ही भुन गए थे तो जो मैंने चिकन को बॉईल किया था ना तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मसाले में भून लेंगे। और जैसे ही चिकन अच्छे से भुन जाएगा तभी मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी, और जो चिकन मैंने बॉईल किया था तो उसमें जो पानी था तो मैंने उसको डाला था, और फिर थोड़ा पानी मैंने और डाला था।
और जो पानी मैंने डाल दिया था, इसके बाद फिर मैंने जो सब्जी थी तो उसको कवर कर दिया था और थोड़ी देर में चिकन भी बन गया था। हरा धनिया मैंने डाल दिया था और जो चिकन था तो वह बनकर भी तैयार हो गया था। और संडे था तो पार्थ को काफी मन था चिकन खाने का, तो इस वजह से चिकन भी बना दिया है और बस जल्दी से रोटियों की भी तैयारी कर लूंगी। आटा तैयार हो गया था और चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था जब मैंने चिकन बनाया था, तो बस दोनों चीजें एक साथ बन गई थी और रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी। और जो गैस चूल्हा है तो वह आज नहीं जल रहा है, पहले मुझे लग रहा था कि वह थोड़ा उसमें कचरा फंसा हुआ, तो मैंने पूरा साफ भी कर लिया, फिर भी वह नहीं जल रहा है। तो हस्बैंड से बोला था कि दूसरा चूल्हा निकाल दो, तो उन्होंने नहीं निकाला। बस अब क्या था, जैसे तैसे करके मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियां फूल नहीं रही और ठीक से बन भी रही और टाइम भी बहुत लग रहा है। तो बस क्या है, अब जैसा है तो बस रोटियां भी मैं जैसे तैसे करके बनाती जा रही थी। रोटियां बन गई थी, उसके बाद सभी को मैंने खाना दिया था और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था। और सभी के खाना खाने के बाद जो बर्तन निकले हुए थे तो बस उनको मैंने इकट्ठा कर लिया था और सारे बर्तनों को भी मैं धुलती हुई जाऊंगी। और जो डिनर है तो वह सभी लोग एक साथ ही करते हैं, तो इस वजह से सारे बर्तन एक साथ ही निकल आते हैं। तो सभी बर्तन इकट्ठे कर लिए थे मैंने और सारे बर्तन भी मेरे धुल गए थे। और इसके बाद फिर जो किचन क्लीनिंग रह गई है तो उसको भी मैं साफ कर लूंगी। और क्योंकि आज चिकन बना था तो गैस चूल्हे को तो अच्छे से साफ करना ही था, तो मैंने जो डिशवॉशर जेल है तो उसको लगा लिया था और अच्छे से गैस चूल्हे को साफ कर लूंगी और किचन काउंटर को भी साफ करूंगी और उसके जो आसपास जो तेल के छींटे वगैरह मसाले के छींटे आए हुए हैं तो सारी जगहों को मैं अच्छे से साफ कर लूंगी और सभी सामानों को हटाती जाऊंगी और अच्छे से मैं साफ करती जाऊंगी। और किचन क्लीन भी होती जा रही थी और किचन क्लीनिंग के बाद फिर जो कपड़े हैं तो जिनसे मैंने किचन क्लीन करी है तो उनको भी मैं अच्छे से धो लूंगी और जो हाथ पोछने के कपड़े हैं तो उनको भी मैं धो लूंगी। और इसके बाद फिर जो सारा काम मेरा हो गया था, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे की सुबह का वीडियो है। और सुबह से हम लोग उठ गए थे, उठने के बाद चाय नाश्ता हो गया था और फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो ऊपर कुछ गमले हैं तो उनको भी सेट करना है। और छत तो हम लोगों ने पहले ही धो लिया था पर यहाँ अभी भी काफी डस्ट रह रही है क्योंकि काम अभी खत्म हुआ तो सभी जगह डस्ट टाइप का ही है। और जो गमले थे तो उनको हम सब साइड से अच्छे से जमाते जा रहे थे क्योंकि गमले काफी ज्यादा है तो बस उनको अकेले तो नहीं रखा जाता है, तो बस दोनों लोग हम मिलकर जो गमले हैं तो उनको भी सेट करते जा रहे थे। और अभी काफी सुबह थी और अभी धूप भी नहीं निकली थी और थोड़ी देर में धूप भी निकल आई और धूप इतनी तेज निकली कि फिर थोड़ी देर में ही काफी गर्मी लगने लग गई थी और मौसम काफी चेंज लग रहा था। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला हॉल है तो उसमें भी मैं झाड़ू लगा लूंगी क्योंकि यहाँ पर भी काम हुआ था ना, तो यहाँ पर भी डस्ट है। और मैंने अच्छे से अपना फेस कवर कर लिया था क्योंकि मुझे वैसे भी एलर्जी ही रहती है, तो पूरा जो मैंने मुंह अच्छे से कवर कर लिया था। और फिर उसके बाद जो मैंने झाड़ू लगाए थे और झाड़ू लगाने के बाद फिर पानी से धुला हुआ भी था। सारा काम ऊपर का खत्म करने के बाद फिर मैं नीचे गई थी और मैंने नहा लिया था और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े मैंने डाले थे ना तो उनको भी फैला दूंगी क्योंकि डस्ट उड़ रहा था, तो इस वजह से जो कपड़े थे तो उनको अभी तक मैंने नहीं फैलाया था। और उसके बाद फिर नहाने के बाद मैंने खाना भी बनाया था और खाने में मैंने दाल चावल बनाया था जिसका वीडियो मैंने आपके साथ आज शेयर नहीं किया है क्योंकि सिंपल नॉर्मल रेगुलर खाना है। और जो कपड़े मैंने धुले हुए थे तो उसको भी मैं फैलाती जाऊंगी और जो इनर पार्ट की ड्रेस और जो अभी ठंड के कपड़े थे तो उन सभी को मैंने धो लिया था और उनको भी मैंने सूखने डाल दिया था। फिर उसके बाद फिर यह वीडियो शाम का है। कपड़े सूख गए थे, सारे कपड़ों को मैं उठाकर ले आई थी और जो कपड़े थे तो उनको मैंने छांट लिया था और उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही थी। और पार्थ की जो यूनिफॉर्म है उसमें भी अभी प्रेस होना है तो उसको भी मैं करूंगी। पहले जो कपड़े हैं तो उनको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूंगी और उनको उनकी जगह पर अच्छे से सेट करके रख दूंगी। और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी क्योंकि आज हस्बैंड भी थोड़ी से जल्दी आ गए थे, तो बस चाय मैंने बनने रख दी थी और कपड़े जो थे तो वह भी मैं फोल्ड करती जा रही थी।
और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो बस मैं ऐसे ही अपना जो काम है तो वह मैनेज करती रहती हूँ। और हम जो हाउस वाइफ होती है तो हमें दिन भर काम रहता है और हमें एक पल का भी आराम नहीं होता है। कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, उसके बाद जो प्रेस है तो बस उसको भी मैं पार्थ की यूनिफॉर्म में प्रेस भी मैं कर लूंगी। और अभी मैं सिर्फ पार्थ की जो यूनिफॉर्म है ना उसी में बस प्रेस कर रही हूँ, बाकी कपड़ों में नहीं कर रही हूँ। और कपड़े भी प्रेस होते जा रहे थे और फिर थोड़ी देर में जो हस्बैंड के जो बड़े भाई है ना तो उनके बड़े वाले बेटे आ गए थे, क्योंकि उनका जो बेटा है तो उसको पार्क के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस वह भी आ गए थे। और डिनर में मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी, सिंपल रेगुलर सब्जी है। रेसिपी आपके साथ आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और इसके बाद जो रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी, क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा है तो खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो रही है और टाइम भी लग रहा है। और रोटियां बनाती जा रही थी और पार्थ भी खेल रहा था, क्योंकि तो जो भैया आए हैं उनका बेटा है तो बस वह भी खेलता जा रहा था। और ये उनका बेटा है और इसका नाम अभी है और घर में इसको सब अभी बोलते हैं। बस यही आसपास घूम रहा था और पार्थ के साथ खेलता जा रहा था। और वह आज न्यू गन लेकर आया था पार्थ को दिखाने के लिए, तो बस यहाँ पर वह खेल रहा था और बस खेल खेल में उसकी जो न्यू गन थी तो वह भी खराब हो गई थी। अब क्या था, सभी लोग बैठकर उसकी जो गन थी तो उसको सुधारने में लगे हुए थे और हस्बैंड भी उसकी गन काफी देर तक ठीक करते रहे। और फिर काफी देर बाद उसकी गन भी ठीक हो गई और गन खराब होने के चक्कर में वह पार्क के साथ ज्यादा देर खेल भी नहीं पाया, बस ऐसे ही बैठकर अपनी गन देखता रहा। और फिर उसके बाद हमारा भैया लोग चले गए थे और फिर हमारा खाना भी हो गया था। और खाना होने के बाद जो बर्तन थे तो उनको भी मैं धुलती जाऊंगी, और बर्तन जैसे ही धुल जाएंगे तो किचन क्लीन भी मैं कर लूंगी। और किचन क्लीन का वीडियो मैंने नहीं शेयर किया है क्योंकि वह डेली ही तो करते हैं। तो इसके बाद फिर सारे बर्तन धुल गए थे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।